ओके गाइस, सो अब मैं नानू से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ नानू से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ क्योंकि हमने एक क्यू एन ए रखा था जिसमें इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट किया था कि आप नानू को डीएम कीजिए येलो एंड व्हाइट. हाँ, तो नानू को डीएम कीजिए मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि ये सरप्राइज क्यू एन ए था. तो हम नानू का एक्सपीरियंस जानने वाले हैं कि उसे कितने क्वेश्चंस आए, लोगों ने क्या क्या पूछा, नॉट एग्जैक्टली क्या क्या पूछा बिकॉज हम क्यू एन ए वो कल करने वाले हैं, वो सरप्राइज क्यू एन ए है. तो नानू अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि उसको कैसा फील हुआ और वो परेशान हुई या खुश हुई या उसके एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक ऑल ओवर इन शॉर्ट. ओके नानू, तो प्लीज हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था आफ्टर रिसीविंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय फैमिली फ्रेंड्स. लाउड बोलो भैया, अभी तो सच बोलोगे झूठ? सच. चलो पहले झूठ बोलो. अब सच बताओ. आई डोंट नो, स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो गया था. क्यों? आई हैड अ डिलीवरी और मेरे को काम भी करना था साथ में. ऑफ कोर्स तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें में प्रोमिसेस भी कंप्लीट करने होते हैं और उतने में ही आई थिंक वो हमारा मैसेज वाला इशू हो गया था ना. तो हाँ, बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि उसका प्राइवेट है अकाउंट. सॉरी, रुक यही तो चल रहे हैं. सॉरी, मुझे पता नहीं चला. तो क्या हुआ कि मेरे को काम भी था, मेरी कॉल्स भी चल रही थी, वर्क प्रेशर में भी थी, सारे लोग मैसेज कर रहे थे और फिर प्रॉब्लम हो रही थी. बट होल्ड अ सेकंड, मैं बता दूं, ये नानू का ही आइडिया था कि हम एक क्यू एन ए रखते हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब बच्चे लोग ऐसे मुझे मैसेज करते थे पहले, अरे लोलो दीदी को बोलो प्लीज मुझे मैसेज करे, बट नाउ आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू कैन नॉट रिप्लाई टू एवरीवन. आई थिंक देयर hundreds of people messaging ki didi please aap pooch loge na. I read those messages, I even selected them, but har kisi ko reply karna ki you know ha main pooch lungi ya main nahi pooch paungi, ha this is an amazing question. Like my god, this woman has patience. और मैंने सुना कि तुझे ऐसे काफी बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं पूछ के तुझे अपनी स्टोरीज बता रहे थे. सो व्हाट वर दैट स्टोरीज? आई वी ऑल वांट टू नो. I mean, there was this girl, I think you are kind of a role model, and she was kind of struggling, you know, uske parents are not allowing, wait, let me rephrase it. She wants to become an actress, but I think she's really good at her studies, especially computers, and her parents want to become some computer engineer. And she was asking a suggestion, ki kya karu? जो आप बोलोगे, आई मीन इट्स अप टू यू कि तू उसे क्या बोलना चाहती है, बट आई थिंक पेरेंट्स का एट द एंड ऑफ द डे सपोर्ट होना इज वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ, यू कैन नॉट जस्ट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स एंड डू समथिंग, बिकॉज आई मीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अगर तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले गए, आई मीन कभी कभी जब तुम्हें अपने फुल कॉन्फिडेंस है कि यू विल बी द हिट and you're going against your parents, मतलब सबका अपना अपना होता है. आई मीन मैंने कितने ताने खा खा के नौकरी करी. मैंने कितनी चीजें सुन सुन के, ये अभी जहाँ तक मैंने जो शो किया है, जो भी किया अभी तक, जहाँ पे मैं स्टैंड करती हूँ, मैंने कितना सुना है. मेरे पेरेंट्स पे अलाउ नहीं करते थे. इवन अभी भी मेरी मॉम शी इज लाइक कि यार तुझे गलत किया भेज कर. स्टिल गाइस, हाँ, आई मीन सो पेरेंट्स बोलते रहते हैं, बट यू आर द वन जिसने प्रूव करना है, सो यू हैव टू प्रूव देम. आई मीन तुम उनकी मर्जी का भी कर लो. आई मीन व्हेन आई हैड द टाइम My dad asked me कि तुम प्लीज़ आई आई टी की एग्जाम दे दो, तुम ए आई ट्रिपल ई की एग्जाम दे दो, गेट अ गुड ग्रेड. सेम थिंग वेट, मेरी मॉम भी यही बोलती है कि गवर्नमेंट की जॉब कर लेती, बैंक में सी ए या मतलब बैंक कर लेती या सी ए कर लेती, कुछ भी, यू नो, जस्ट गवर्नमेंट जॉब होती तो कितना अच्छा होता, दिस एंड दैट. कंटिन्यू. नो वंडर उनकी जॉब में आराम है. मैं आजकल अभी कभी अपनी बुआ को देखती हूँ, काश हमारे पास आप वाली जॉब होती.
आई स्टार्ट वर्किंग एट मॉर्निंग 9 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वर्क टिल 8 एट टाइम मुझे खाने का भी नहीं पता होता बट मुझे इतना याद है कि ये लड़की रोटी पे दाल डाल के खाती है जस्ट इमेजिन गाइस नॉट इवन सब्जी इट्स दाल मुझे ब्रोकली की सब्जी बनी थी गाइस मेरा मन नहीं था खाने का okay. हाँ तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि सी यू कैन नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ सी यू हैव टू फाइट फॉर इट सी यू हैव टू फाइट फॉर इट और अगर फाइट सक्सेसफुल हो गई देन यू नो आई मीन वो कभी भी तुम्हें फुल सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे नेवर वांटेड यू टू डू इट बट पार्शियल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए यू कैन नॉट जस्ट लीव योर पेरेंट्स एंड यू नो एग्जैक्टली यू फाइट टिल द एंड बिकॉज एट द एंड अगर तुम चाहे स्टार बन गए या तुम कुछ नहीं कर पाए लाइफ में दे आर द ओनली वन जो तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करेंगे यू नो मुझे अभी भी याद है जब मैं एनिमेशन का कोर्स कर रही थी मैं एक दिन घर आई एंड मेरी मर्जी का इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई होती तो अभी ये कर रही होती ये मुझे भी सुनने के लिए मिलता है बहुत सुनने को मिला भाई बहुत बट एटलीस्ट ही वाज द वन हु टुक मी टू दैट इंस्टीट्यूट एंड डिड माय एडमिशन देयर और खैर उनको मुझे इतना भी भरोसा नहीं था व्हाटएवर फीस वी हैड He was getting this 40,000 off if he just paid 3 years का money altogether. He did not do that. And then I asked him why didn't he do that? When I finished my course, he was like, उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं खत्म करूँगी. That's why वो 40,000 के नाम पे इतना बड़ा risk नहीं लेना चाह रहे थे. I was like, you should have taken it. I mean, ऐसा नहीं है कि अब सुनने को नहीं मिलता है. I work for a really good company, post production company, but अभी परसों में कुछ दिन पहले एक बंदे को एक जॉब मिली एंड ही इज अर्निंग अ वेरी गुड पैकेज एंड आई थिंक तुमने भी इंजीनियरिंग कर ली होती ना तो आज तुम्हें वो मिल रहा होता मेरे डैड को भी ये था मेरे डैड चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और वो तो काफी इम्पॉसिबल था बिकॉज मैं स्टडी से भी इतनी अच्छी नहीं थी एवरेज स्टूडेंट आई वॉज और डॉक्टर गाइस लिटरली डॉक्टर मैं तेरी शक्ल देखो लगती है डॉक्टर बनने वाली वैसे बहुत हॉट डॉक्टर बनती थी नहीं 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 मैं अपने फॉर एन एक्टिंग मैं डॉक्टर बन सकती हूँ और मैंने किया भी है एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली क्राइम पेट्रोल में डॉक्टर बनी थी मैं दैट वाज अ रोल सो या अगर मेरे डैड मेरे डैड होते तो मैं उनको बोल पाती कि मैं डॉक्टर बन गई आई रियली वांट टू सी यू इन अ गोस्ट रोल ओके सो नाउ तेरा मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मतलब इन शॉर्ट मतलब तूने कुछ मुझे ऐसा लगा कि हम एक अकेले नहीं इस दुनिया में जो हु फॉट विद देयर पेरेंट्स एंड डिड समथिंग अगेंस्ट देयर विश सो क्या कर सकती है वो अब क्या है उसके लिए तुझे आई डोंट नो शी आस्क्ड यू मैं तो सिर्फ एक सजेशन दे रहा ओके आई मीन सी आई डोंट नो व्हिच स्टैंडर्ड शी इज का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है सी आई डोंट नो व्हिच स्टैंडर्ड शी इज इन बट वर्स्ट केस सिनेरियो इफ शी इज इन 12th स्टैंडर्ड लाइक दैट्स द लास्ट ईयर राइट तो यू स्टिल हैव अ ईयर टू फाइट फॉर इट और हुआ तो हुआ अदरवाइज डेस्टिनी ब्रो डेस्टिनी को छोड़ के यू कैन बिकम एन इंजीनियर यू कैन डू योर जॉब इन साइड विद आई न्यू दिस गाय ही वाज अ 3D artist like me. और वो freelancing में modeling भी करता था एंड आई लिटरली सॉ हिज पोस्टर आउटसाइड पैटलूज आई बी लाइक वाओ सो यू कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर आई मीन जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं एंड सी आई थिंक पेरेंट्स का यही होता है कि उनको ना एक स्टेबल जॉब चाहिए होती है कि उनके उनके बच्चे एटलीस्ट सेटल हो जाए ठीक है लाइफ में और एक्टिंग करियर इट्स लाइक कि तुम्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ कुछ ही लोग होते हैं ना जिन्हें जस्ट अ क्लिक मिल जाती है अपॉर्चुनिटी
मेरे केस में ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं था, मेरा बिल्कुल बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, हां बट किसी किसी का होता है कि हां हो जाए, इट्स डिपेंड ऑन लव डेस्टिनी व्हाटएवर इट तो पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के साथ साथ मिलिट्री वाले और इंजीनियर्स डॉक्टर्स, इवन मेरी फ्रेंड भी बनी थी एक एड में, तो वो डॉक्टर थी, तो तब मैंने उसकी स्टोरी पूछी थी, तो वो डॉक्टर करने के बाद उसका खुद एक क्लिनिक होने के बाद, वेट में कर रही हूँ ना, क्लिनिक होने के बाद फिर भी वो यू नो एक्टिंग कर रही है, और नाउ तो अभी आई थिंक उसने कोई साउथ मूवी और कुछ एड्स ऐसा कुछ चल रहा है उसका। आई मीन एक पॉइंट के बाद आई मीन यू डिड नॉट स्टार्ट विद एक्टिंग। हां सी मेरे लिए तो मैं एक्ट्रेस तो किसी काम की नहीं हूं, बट आई विल डेफिनेटली यूज एज अ डिजाइनर फॉर माय वेडिंग। मैं तुम्हारी एक्टिंग का क्या करूंगी मुझे बताओ।